ये देखिए, ये तो बहुत बुरी तरह से लड़ी है। अरे बाप रे, इसका पूरा गया, हमें लगता है एकदम फुल लॉस में जाए। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ, ये महिंद्रा शोरूम है गोंडा में, और हमारे जानने वाले के साथ में एक्सीडेंट हो गया है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी, अभी वो गाड़ी यहाँ पर है, और उसका जो है इंश्योरेंस था वो ICI से था, और 2020 मॉडल गाड़ी थी, लेकिन अभी ICI वाले ने जो है क्लेम देने से मना कर रहे हैं। अभी आगे चल के मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले आप गाड़ी देख लीजिए, ठीक है, आप किलोमीटर देख लियो सब कंपनी। यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंटल हैं, बाकी हमारी गाड़ी यहाँ नहीं है, आगे है, मतलब हमारी नहीं है, हमारे जानने वाली की है। इधर देखिए, ये है ना, ये देखिए, ये हुआ एक्सीडेंट, ये बच गया, खैर ये सेफ है, बाकी रेडिएटर भी सेफ है इसमें, ये सेफ है। ये आगे का जो पोजीशन है ये एकदम चले गया, देख लीजिए आप लोग, ये भी एकदम नई गाड़ी है, बाकी ये कांच में भी लगा हुआ है थोड़ा सा, इधर कांच में भी है, और बाकी पीछे देखते हैं, पीछे एकदम सेफ है, पीछे एकदम सेफ है, कुछ नहीं लड़ी है यार। ये देखिए खाली बम्पर मतलब बच गया है, ज़्यादा कुछ खास एक्सीडेंट नहीं हुआ, खाली आगे का जो पोजीशन है वही जाएगा, वही चेंज करना पड़ेगा बस, कुछ नहीं लड़ी है, कंडेंसर भी बच गया है, हाँ अंदर का ये सब बच गया, सेफ है, सब बचा। एक्चुअली मसला इसमें ये आ रहा है कि ICI कंपनी से इंश्योरेंस था, अब ICI का कहना है कि अगर इससे पहले आप क्लेम ले चुके हो तो इस साल नहीं मिलेगा। ये कैसा नियम है भाई, हमें तो नहीं पता, आप लोगों को पता होगा, हर साल जब आदमी कराता है इंश्योरेंस तो हर साल क्लेम पाने के लिए ही कराता है ना, घटना कब हो जाए कभी बता के नहीं आती, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हम लोगों ने कोशिश किया, बाकी आप लोग बताइए मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे तक पहुँचाइए, और ICI का हकीकत आप लोग जानिए, सबको बताइए कि ICI से बिल्कुल इंश्योरेंस ना कराएं। देख लीजिए आप लोग, एकदम कुछ नहीं गया, ज़्यादा खर्चा नहीं जाएगा सर वैसे, है ना,